अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। जब से मैंने तुम लोगों को ये मकान किराए पर दिया हुआ ना, ऐसे मनोज हो कि मेरे कारोबार का बेड़ा ही गर्क हो गया है। आज आपकी आंखों में जो मोहब्बत नजर आई है ना मुझे, ये पहले कभी आपकी बातों में, आपकी शरारतों में या मेरे नखरे उठाने में नजर आती थी। दा अपने किसी काम में मसरूफ होता है, आप दरवाजे पे दरवाजा बजाए जा रही हैं। मुझे लगा कोई इमरजेंसी है। मैं माफी चाहती हूँ मैम, लेकिन मैं ये सामान, एक बात बताओ, जब बाजार से सब कुछ मिल जाता है तो आप क्यों धक्के खाती फिरती हो? तुम शरारत करते हो तो बच्चा समझ के माफ कर देता हूँ मैं, मगर चोरी करने वाला बच्चा नहीं होता, उसके अंदर शैतान छुपा हुआ होता है। और आज मैं इस शैतान को इतना मारूंगा कि हिम्मत हार दोगी? नहीं, मगर मुझसे नहीं हो रहा और मेरी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती, मगर मैं फंस गई हूँ नताशा। कितना पढ़ी हो? मिडिल तक। तो जब ABC सीख रही थी, टीचर से मार पड़ती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर को पता था कि अभी सीख रही है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। सीख जाओगी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। मैनेजर साहब ही समझेंगे मेरी मजबूरी, या नौकरी से निकाल देंगे वो। देखो नफीसा, मैनेजर साहब इंसान नहीं है, वो पैसे के पुजारी हैं। और अगर उन्हें पता चला कि तुमने दिन में कोई सेल नहीं की तो वो एक ही बात कहेंगे, कल से काम पर मत आना। ये रब, इसका इलाज है मेरे पास। वो क्या? तुम्हें काम करो, ये 5,000 तुम रखो और अपने बैग से 5,000 की प्रोडक्ट्स निकाल कर मेरे बैग में डाल दो। जब मैनेजर देखेगा ना कि पहले दिन ही तुमने 5,000 की सेल कर दी है, खुश हो जाएगा। रखो। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप ये पैसे रखो और प्रोडक्ट्स निकाल कर मेरे बैग में डालो। रखो रखो ना, प्रोडक्ट्स निकाल के मेरे बैग में डाल दो। अब क्या हो गया? तुम बहुत अच्छी हो नताशा, मुझे पता है। नहीं, जितना तुम्हें पता है ना, उससे ज्यादा अच्छी हो। अच्छा चलो, मुझे मगरूर ना कर देना। ये लो। शुक्रिया। ये लो। ये क्या? कमीशन है ये। तो इसका मैं क्या करूं? मतलब तुमने सेल की थी तो इस पे तुम्हारा हक बनता है। ओ बहन, इतनी भी अच्छी ना बनो, मैंने अपना कमीशन रख कर ही तुम्हें पैसे दिए थे। हाँ नताशा, वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? देखो, मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ इसलिए ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। देखो नफीसा, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती ना
तो वो यही सोचती कि उसके साथ हमदर्दी की जा रही है या फिर उस पर तरस खाया जा रहा है। लेकिन नफीसा, यह सोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कोई तुम्हारा मुखलिस दोस्त है और वो दिल से तुम्हारे लिए मुखलिस है, तो उसके मुखलिसी पर इस तरह से शक करना उसका दिल तोड़ देने का मुतरादिफ है। तुम ये अपने पास रखो और ये समझना कि आज की अफ्तारी मेरी तरफ से है भाई। शुक्रिया, मैं कैश जमा करवा के आती हूँ। भाभी जी आप आ गई, वरना मैं तो जाने ही वाला था। आप यहाँ तशरीफ लाएं, इसका मतलब? वो तो आपके मियाँ ही बताएंगे आपको। वो दरअसल जो हमारे मालिक के मकान है ना वो। अरे सलमान अहमद, इतना झिझक रहे हो जैसे कोई बुरी खबर सुना रहे हो। असल में ये जो आपके घर का मसला है, ये हमेशा के लिए रफा दफा कर दिया इस खासदार ने। पहले मैंने सोचा कि मालिक मकान को 3 महीने का किराया दे के चुप करा दूं, फिर सोचा कि वो बदलियाज इंसान अगले महीने फिर तंग करेगा, इसलिए मैंने उससे ये मकान ही खरीद लिया। ये देखें रजिस्ट्री। और ये मिठाई, मीठा करें आप। अच्छा हाँ, घर पे थोड़ा मरम्मत का काम है, अगर आप इजाजत दे तो कल शुरू करा दूं। कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ रह रहे हैं ना, हमें कोई मरम्मत नहीं चाहिए। भाभी जी मैं तो ऐसे ही बस मदद करना चाह रहा था, आप तो शायद बुरा मान गए। नहीं चाहिए आपकी मदद, जब चाहिए होगी ना तो मैं आपको खुद कह दूंगी। यूं अपने आप मदद करने की जहमत ना करें आप शाकिर भाई। और हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में आप इस घर में नहीं आएंगे। आप इस मकान के तो मालिक हो सकते हैं मगर हमारे नहीं। और जाते हुए ना अपने साथ ही मिठाई का डब्बा जरूर साथ लेके जाइएगा। आप कुछ बोलेंगे भैया जी? जी कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। जो भी मेरी बीवी ने कहा और जैसे भी कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब आप यहां से जा सकते हैं। सलमान अहमद, नया किरायानामा कल भिजवा दूंगा, उस पर अपना अंगूठा लगा देना और 3 महीने का किराया तैयार रखना। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही।
तमन्ना, तमन्ना, तमन्ना बेगम, क्या हुआ? हैरियत तो है ना, ऐसे गुस्से से लाल पीले क्यों हो रहे हो? इफ्तारी का ऐलान हो गया, टेबल खाली पड़ा है, हैं? तुम क्या सो रही थी? इफ्तारी करने किसने हैं? तुम तो रोजा रखते नहीं हो, मेरा भी रोजा नहीं है आज। इफ्तारी क्या बिल्लियों को डालने के लिए बनानी है? एक तो तू अपना लहजा दुरुस्त कर, समझी ना? ख्वामखा क्यों भड़के हुए हो, हुआ क्या है? ओ यार भूख लगी है, और होना क्या है? हाँ तो खाना तैयार है, लगा देती हूँ अभी। आ कहाँ से रहे हो, किससे झगड़ा हुआ है, कुछ बताओ तो सही। खाना लगा, हाथ धो के आ रहा हूँ। तो भलाई का साला जमाना ही नहीं है ये। भलाई का जमाना? एक तो इस मुसीबत का पारा ही चढ़ा रहता है। बच्चे क्या कर रहे हैं? नोमी तो सो गया, सुमेरा होमवर्क कर रही है। बैठो। कैसा गुजरा आज का दिन? मुश्किल था, मगर इस बात का एहसास हो गया है कि हर आने वाले दिन के साथ मुश्किल आसान हो जाएगी। कंधे में दर्द हो रहा है? इस दर्द का क्या है, गोली खा लूंगी या बाम लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। मगर ये जो तकदीर का दर्द है ना, ये कैसे सही होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। एक मुश्किल हल करती हूँ तो दूसरी मुश्किल आ जाती है। अब इसको देखो शाकिर भट्ट को, ख्वामों कहीं पीछे पड़ गया हमारे। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो आइंदा यहाँ नहीं आएगा। अब अगर उसने घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की ना, तो मैं भी पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी। अब ऐसी हिमाकत भी मत करना, तुम बस अपना ख्याल रखो, उसे मैं देख लूंगा। आप चाय पी के सो जाइएगा, मुझे सुबह की तैयारी करनी है। तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ अब तक? बस थोड़ा सा रह गया। चलो रहने दो, सो जाओ अब। मम्मी वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, पर आपको तो पता है भाई अपना काम कभी खुद कर करता ही नहीं। रो रहा था, कह रहा था कि टीचर कल मारेंगे। हो बस 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, होमवर्क करके सो जा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी मैं ना होलसेल पे ये सारा प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ। साबुन मार्केट में 120 रुपए का है, और बाजी ये वाला साबुन ये तो 90 रुपए का है, कम कीमत में। और मच्छर मार स्प्रे भी है, कोल्ड क्रीम भी है, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। जी बाजी। अम्मी के पास फोन कैसे? ये बात किससे कर रही होंगी? देख लेती हूँ जाके। ये तरीका सही है दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी ये देखें, ये साबुन, इसकी कीमत मार्केट में ना 140 रुपए की है, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए का दे रही हूँ, पूरे 30 रुपए की बचत के साथ। मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें, गरम मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और मच्छर मार स्प्रे, साबुन, सर्फ, पूरे 15 आइटम्स हैं बाजी मेरे पास। जी ऐसी चीजें बेचती हैं मेरी अम्मी? हाँ। वो कल हमारे घर पे भी एक आंटी आई थी, वो तो इतने प्यार से बात नहीं कर रही थी। ओह बेटा, हर इंसान का अपना ज़र्फ होता है, कोई किस तरह बात करता है, कोई किस तरह। मैं देखूं आप कैसे कर रही थी। पागल हो गई हो,
कोई बात नहीं है, जाके सो जाओ। एक बार अम्मी, बस एक बार। नहीं, तुम मजाक उड़ाओगी मेरा। नहीं नहीं, कसम से। अच्छा ठीक है, मजाक नहीं उड़ाना मेरा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी ये मेरे पास साबुन है जो मार्केट में 130 रुपए का है और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में बेच रही हूँ, पूरे 30 रुपए की बचत के साथ। मेरे पास स्प्रे भी है, सर्फ भी है और खाने पकाने के सारे मसाले हैं। मेरे पास पूरे 15 प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट पे 25, 30, 45 रुपए की बचत भी है। कैसा? बहुत अच्छा कर रहा है अम्मी। देखना कल तो पूरे 1500 की सेल होगी इंशाल्लाह। 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 जाओ, जाके सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी आपको कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए आप मुझे बताएं। मेरे पास खाने पकाने के अलावा बर्तन धोने के सारे साबुन, सर्फ, शैम्पू और तो और ये कोल्ड क्रीम भी है। बाजी मार्केट में पूरे 150 रुपए की है और मेरे पास सिर्फ 90 रुपए की है। हर प्रोडक्ट पे सेल है बाजी, आपकी इतनी शॉपिंग भी हो जाएगी। बाजी आप अपने घर के ग्रोसरी खुद करती हैं? जी हाँ। तो फिर आपको पता होगा कि ये 100 ग्राम वाला सोप कितने का है? ये 120 रुपए का है और मैं आपको 105 रुपए में दूंगी बाजी, 15 रुपए की बचत के साथ। अगर ये 6 साबुन आप लेती है ना इकट्ठे तो आपको 90 रुपए की बचत हो जाएगी, जिसमें आप एक टूथपेस्ट खरीद लेंगी जो बाजार में 100 रुपए का और वो मेरे पास 90 रुपए का है, फिर 10 रुपए की बचत हो जाएगी। मेरे पास इसी तरह और भी प्रोडक्ट्स हैं बाजी। अब आप देखें ना, रमजान के रोजों में आप जाएंगी तो दुकानदार तो आपको ठग लेगा। मेरे पास ये सारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें, ये हल्दी, नमक, मिर्च, क्वाइल, बच्चों के नूडल्स, इसमें 10, 15, 25 रुपए की बचत के साथ है। आपको चाहिए क्या? साबुन, शैम्पू, आप मुझे वो बताएं, आपको चाहिए क्या बाजी? जी मुझे सब कुछ चाहिए। आप इधर ही रुके, सब कुछ निकाल के रखे, मैं अभी आई पैसे लेके। आपके घर के ऊपर कोई और बाजी भी होती होंगी ना? जी उनको भी बुला दें प्लीज। जी जरूर, अभी बुला। अल्लाह का शुक्र है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है नताशा कितने की सेल हुई है, वो भी एक ही घर से। कितने की? पूरे 1800 की। वाकई? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। पता है मैं फरफर बोलती गई और वो बेचारी चुपचाप सुनती गई। फिर पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो भी तुमने प्रोडक्ट्स गिनवाई ना वो सब निकाल दो, मैं सब खरीदूंगी। और आज टारगेट कितना सोचा तुमने? 15,000 का। और कॉन्फिडेंस मिलाकर कितना? यही 18,000 का। तो बस आज 18,000 की सेल करनी है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले। हाँ।
ओ यार लगता है आंटी का कोई नया आशिक आया है। तमीज कर शानी, रमजान का महीना है। ओ यार बट साहब ने तो कहा था कि आंटी पे ध्यान रखना। ओ हाँ यार वीडियो बनाते हैं। ओ भाभी को कह देते, आपने क्यों दरवाजा खोला? अंदर चलो बताता हूं। अभी नजर नहीं आ रही। खैर फैक्ट्री का मालिक कह रहा है कि मैं इस हादसे के पैसे नहीं दे सकता, कह रहा जो कुछ करना है तुम लोग कर लो। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है वो, ये हादसा मेरे नसीब में लिखा हुआ था, फिर अपने सर क्यों लेगा वो? मगर कंपनी के रूल्स होते हैं, अगर मजदूर जॉब पर है और उसके साथ कोई हादसा हो जाए तो मालिक। इस बहस का कोई फायदा नहीं है शफीक अहमद, जो होना था वो तो हो गया, बात खत्म। अब बेहतर ये है कि जिस मौजू पे बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया वो बात कर लेते हैं। बुलाया? मगर मैं तो खुद आया हूं। तुम्हें नफीसा ने फोन नहीं किया? नहीं तो। अच्छा खैर वो मुझे तुमसे कुछ कर्ज चाहिए। हाँ हाँ मेरे दोस्त, कितने पैसे चाहिए बताओ, मिल जाएंगे, कल ही कमेटी निकली है मेरी। हाँ मगर तुमने तो वो प्लॉट खरीदने के लिए डाली थी ना। खैर मैं प्लॉट नहीं ले रहा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यार वो 3 महीने का किराया देना है और। हाँ हाँ बताओ ना। और 2 फोन भी चाहिए। इकट्ठे 2 फोन? हाँ नफीसा से रابطے में रहने के लिए हम दोनों के पास फोन होना बहुत जरूरी है। असल में वो उसकी नौकरी लग गई है, वो बेचारी अब मेहनत मशक्कत कर रही है। अच्छा अच्छा मैं भी कहूँ नफीसा भाभी नजर नहीं आ रही। खैर तुम टेंशन नहीं लो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा और 2 फोन भी मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आंटी जी ने दरवाजा खोला और उस आदमी को अंदर बुलाया। अच्छा अबे तो आंटी जी क्यों नजर नहीं आ रही इसमें? समझा करें ना भट्ट साहब, जब किसी को चोरी छुपे बुलाना होता है तो खुद भी दरवाजे के पीछे छुपना होता है। अबे तू वहाँ जाके बना लेता जहाँ छुपके खड़ी है। गलती हो गई भट्ट साहब, अगले दफा सही होगी। कितनी देर हुई उस आदमी को अंदर गए हुए? यही कोई 5-7 मिनट। भाई ये तो बाहर से आ रही है। तो अंदर कौन था? होना कौन है, वही अपाहिज होगा, लंगड़ा व्हीलचेयर पे घूम रहा होगा। अगर भाभी जी अस्सलाम वालेकुम। हम पर तो आपने पाबंदी लगा रखी है, मालिक मकान होते हुए भी अंदर जा नहीं सकते। ये फाइल ले लें, अपने मियाँ का अंगूठा शंगूठा लगाकर घर भिजवा देना। ये ले। ये कैसी फाइल है? ये क्या मतलब? पुराना मकान, नया मालिक, नया किरायनामा तो होगा ना। ले। लो आ गई नफीसा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपकी बाइक देख ली थी, मुझे अंदाजा था कि आप होंगे। भाभी कैसी हैं? अच्छी हैं माशाल्लाह। आपको मुबारक हो, सलमान भाई बता रहे थे कि आपकी जॉब हो गई है। जी, और मेरी पहली कमाई की इफ्तारी आज आप करके जाएंगे। अरे वाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
ये फाइल मुझे उसी कमीने ने दी है। माया किराया नामा है, कह रहा था कि आप साइन कर दें या फिर अंगूठे का निशान लगा लें। मैं भी आती हूँ। हराम खोर कहीं का। क्या हुआ उसे? क्या लगता है मैं अपाहिज हूं? उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितना घटिया इंसान है वो, गला दबा के मार दूंगा मैं उसे। ऐसा क्या है इस फाइल में? यार ये घर शाकिर भट्ट ने खरीद लिया है, नए एग्रीमेंट में किराया बढ़ा के भेजा कमीने ने, और पता है कितना किराया लिखा है उसने? 30,000 रुपए महीना। चलो निकलो। अपने अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो, अपने अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो तवक्कल का ना दामन छोड़ो, चाहे कुछ भी हो तवक्कल का ना दामन छोड़ो, अपने अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो। इस खराब से तो अच्छा है कि मैं कोई काम कर लूं। मैं कल निकलूंगी, मैं काम ढूंढूंगी। सकते हैं घर दिशे हालात तो क्या, कठिन कितने भी दिन रात तो क्या, सकते हैं घर दिशे हालात तो क्या, कठिन कितने भी दिन रात तो क्या, सकते हैं घर दिशे हालात तो क्या, है कठिन कितने भी दिन रात तो क्या, अपने मौला के अपने कुछ भी हो तवक्कल का ना दामन छोड़ो, चाहे कुछ भी हो तवक्कल का ना दामन छोड़ो।